मनमोहन सिंह जी का भी खत है, इसलिए कि ये वादा किया गया था 1947 में। ये महात्मा गांधी का किया हुआ वादा है और उनसे लेके हर किसी ने इस वादे को दोहराया, जिसे हम अपना राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने ये वादा किया था। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, चूँकि जो भी कुछ कहा जा रहा है वो राजनीतिक कारणों से कहा जा रहा है और मैं राजनीति के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि CA का मामला ये है कि ये महात्मा गांधी ने, पंडित जी ने, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके मनमोहन सिंह जी तक हर किसी, मनमोहन सिंह जी का भी खत है, इसलिए कि ये वादा किया गया था 1947 में। जो लोग पाकिस्तान की तरफ रह गए, अब हम तो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, हम तो आज़ाद हो गए, वो पाकिस्तान में जो कुछ रह गए और कुछ को ज़बरदस्ती रोका गया, और वहाँ पे जिस किस्म के, मैं आपको एक ही नाम बताता हूँ, महमल सरफराज नाम की महिला पत्रकार है पाकिस्तान की, ज़रा उसके लेख पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे चले जाइए, महमल सरफराज उस पर कर दीजिए और देखिए कि कितनी बच्चियों को किडनैप किया जाता है, किस तरह उनको फोर्स किया जाता है, उनकी शादियां का जो परसिक्यूशन, मतलब किसी को इस कारण से कि वो कहाँ किस संप्रदाय में पैदा हुआ है उसके ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो, तो वहाँ पे तो उनका दर्जा, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम तो आज़ाद हो गए, उनका दर्जा तो दूसरे से भी नीचे चला गया। तो ये महात्मा गांधी का किया हुआ वादा है और उनसे लेके हर किसी ने इस वादे को दोहराया। सर, विपक्ष का भी ये भी कहना है कि 2.5 करोड़ जो लोग हैं और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लोग यहाँ शरणार्थ हैं, पूरा फ़ायदा जो इसको भाजपा को मिलेगा सर, 2.5 करोड़ लोगों को। अब ये तो मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि मैं राजनीति के किसी से जुड़े हुए सवाल पर नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ एक बात पर बोलूँगा कि जिसे हम अपना राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने ये वादा किया था, पंडित जी ने ये वादा किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति, उनके पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये वादे को दोहराया गया, और सबसे आखिर में मनमोहन जी और प्रणब मुखर्जी साहब, उनका भी खत मौजूद हैगा। और कोई मैं नई बात आपको बता नहीं रहा हूँ, कितने प्रोग्राम में 3 साल पहले कितने प्रोग्राम में मैंने वो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, हर किसी का डॉक्यूमेंट है। तो ये भैया कम से कम अपने जिसे राष्ट्रपिता कहते हो उसके किए हुए वादे को सम्मान तो दो।